नमस्कार, मैं रचना कंवर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी रसोई में। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगी कि इतने दिनों से वीडियो पोस्ट नहीं किया, क्योंकि फैमिली फंक्शंस बहुत ज्यादा हो गए थे तो उनमें बिजी थी, मैं वीडियो नहीं बना पाई। आज मैं बनाऊंगी मक्की के आटे की खिचड़ी। तो ये हमारे यहाँ बहुत सारे बनाए जाते हैं, इस मौसम में हम लोग बना के रख देते हैं और 6-7 महीने के लिए स्टोर करके रखते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो अब होली आ रही है जैसे, तो होली दिवाली पे बहुत सारी चीजें हम लोग बनाते हैं, पापड़ खिचड़ी बनाते हैं, नमकीन मठरियाँ बनाते हैं, शक्करपारे बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं। तो उस टाइम ये तलते और ये खाएंगे आप तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो इस तरह से मैं आज ही मक्की की खिचड़ी बना रही हूँ, आप जरूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बात और मैं कहना चाह रही हूँ आपको कि मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करें, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ आपको। मक्की के पापड़ बनाने के लिए, जो मक्की की खिचड़ी होते हैं वो बनाने के लिए मैंने ये मक्की का आटा लिया है, ये लिया है 2 कप। और इसको अच्छे से छान लें। इसमें जो मसाले पड़ेंगे वो देखिए आप, 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच मीठा सोडा, 1 चम्मच पापड़ खार, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा साबुत और 1/2 चम्मच नमक। इसमें क्या होता है कि नमक होता है उसका डबल जो है वो पापड़ खार पड़ता है। पापड़ खार कहीं भी आपको मिल जाएगा, जब आप दुकान पे बोलोगे कि पापड़ बनाने के लिए पापड़ खार चाहिए तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। पापड़ खार डालने का मतलब ये होता है कि जो पापड़ है हमारे वो एक तो सॉफ्ट बनते हैं और जब हम तलते हैं उनको तो वो फूलते हैं, तो इस वजह से हम पापड़ खार डालते हैं। और नमक और पापड़ खार की मात्रा ये है कि नमक 1/2 पड़ता है और उसका जस्ट डबल पापड़ खार पड़ता है। तेल लिया है पापड़ बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने ये मोटे तले का बर्तन है, जब भी पापड़ बनाएंगे हम तो मोटे तले का बर्तन ही यूज़ करें। तो गैस ऑन कर दिया है और ये कुकर है, इसमें मैंने तो जो आटा लिया था हमने मक्की का आटा वो 2 कप था और उसका जस्ट डबल 4 कप पानी मैंने उबालने के लिए यहाँ पे रख दिया है। पानी उबल गया है तो अब हम गैस को स्लो कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे ये 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ये पापड़ खार होता है और 1/4 चम्मच से भी कम मीठा सोडा। इनको अच्छे से मिला के और अब हमारा जो मक्की का आटा है उसको धीरे धीरे डालते हुए और इसको अच्छे से मिलाते जाएंगे। और अब मैंने अच्छे से इसको मिला लिया। आप चाहें तो इसको गैस पे नीचे उतार के और फिर भी अच्छे से मिला सकते हो, और चाहो तो ये सिम पे ही है, बिल्कुल स्लो है गैस, इस पे अच्छे से मिला के उसके बाद एक ढक्कन लगा देंगे और इस पे पानी डाल देंगे। अब इसको स्लो गैस पे ही इसको कम से कम 5-7 मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे ताकि हमारा आटा पक जाए अच्छे से। एक बार 5-7 मिनट के बाद में हम एक बार फिर से चेक करेंगे। ये हमारे 5-7 मिनट खत्म हो गए, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए हाथों की चिपक नहीं रहा है और ये इस तरह से गोल गोल बन गया। तो इसको 2-4 मिनट के लिए मैं और रखूँगी, अभी मुझे नहीं लग रहा कि पूरा पक गया है। वापस ये पानी वाली प्लेट रख देंगे और हम इसको 2-2.5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो अब हम फिर से एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं और अब ये हमारा पक चुका है। गैस ऑफ करके और ढक के इसको रख देंगे। इसको भी 2-3 मिनट तक इसको ढके हुए रहने देंगे, एकदम से नहीं बनाना। तो अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा सा ये आटा निकाल के और फिर बनाएंगे, एक साथ नहीं निकालना पूरा। इसके ऊपर इस तरह से तेल लगाएंगे। कोई भी कटोरी या लोटा या जो भी जिससे ग्रिप बनती हो ऐसे पकड़ने की अच्छी, वो लेके और फिर इसको बहुत अच्छे से हम मैश करेंगे। इसके तले पे इस तरह से चारों तरफ चिकनाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने इसको 1-1.5 मिनट के लिए इस तरह से मैश किया इसको बहुत अच्छे से। इससे क्या होगा कि हमारे पापड़ जो हैं वो टूटेंगे नहीं, बहुत अच्छे बनेंगे।
तो ये हमने बहुत अच्छे से मैच कर लिया। और अब हम चिकनाई का हाथ लगाते हुए इसकी लोइयां बनाएंगे। जितने बड़े या छोटे आपको पापड़ बनाने हो उसी हिसाब से आप इनकी लोइयां बनाएं। इस तरह से आप लोई बना लें और लोई बना बना के रखते जाएं और ऐसे बर्तन में रखें जिससे ऊपर ढक्कन लगाते जाएं इसके। तो ये सारी लोइयां एक बार मैं बना लेती हूँ। तो ये मैंने इस तरह से ढक दिए और अब पापड़ बनाएंगे हम। इस तरह की पॉलीथीन ले लेनी है, उसके ऊपर तेल लगाएंगे। उसके बाद में कोई भारी चीज़ जो है वो उससे इसको दबाएंगे। आपके पास पूड़ी बनाने वाली मशीन हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। कोई फ्लैट थाली हो जिसका तला बिल्कुल बराबर हो उसको भी, ये चकला सबसे बेस्ट लगता है मुझे। तो मोटी पतली जो भी आपको इसकी रखनी है साइज़, उस हिसाब से बड़ा छोटा पापड़ आप बना सकते हैं। मैं इस तरीके के बना रही हूँ। तो ये बहुत सारी पॉलीथीन आप रख सकते हो, उसको एक साथ पहले बना बना के रख लें और उसके बाद में जाके धूप में सुखा दें, या फिर सारा सामान लेके जैसे हम लोग बनाते हैं तो वो बर्तन वहीं पे लेके चले जाते हैं और छत पे बैठे बैठे फिर बनाते रहते हैं और सुखाते रहते हैं। तो अगर आप अकेले हो, नहीं कर रहे हो, तो किचन में आप ये पहले ही इस तरह से बना के और धूप में आप जो है वो पॉलीथीन रख दें और सारे के सारे लेके जाके एक साथ सुखा दें उसको। तो मैं ये एक साथ बना रही हूँ। तो ये आप देख सकते हो मैंने एक साथ ये सब बना लिए और अब मैं धूप में जाके इनको सुखा दूंगी। तो मैंने सारे पापड़ बना दिए और धूप में सुखा दिए। अब जब सूख जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो ये मेरे मक्की के पापड़ तैयार हो गए हैं। 2 या 3 दिन की धूप में ये सूख जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मक्की के पापड़ तैयार हो गए हैं हमारे। तो आप देखिए ये मक्की के पापड़ तैयार हो गए हैं। सूखने के बाद ही इस तरह से हो जाते हैं। जब इसका आटा सही लगेगा तभी ये टूटेंगे भी नहीं, क्योंकि जब कच्चा रह जाता है, पूरी तरह से पकता नहीं है आटा, तब फिर ये जब बना लेते हैं उसके बाद सूखने के बाद फिर ये टूटने लगते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर टूट भी जाते हैं तो वो तलते वक्त बहुत अच्छे लगते हैं। तो सारे आप रखना। और ये अब मैं बताती हूँ आपको कि हम लोग किस तरह से खाते हैं। तलते तो हैं ही। तो ये गैस ऑन कर दी है और इस तरह से हम लोग पापड़ सेक के खाते हैं, क्योंकि ये हमको इसी तरह से सेके हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं तले हुए के बजाय। जब हम छोटे थे तो हमारे दादी साहब पियर से लेके आते थे, इनको हम मक्के की बंदलडी भी बोलते हैं। तो दादी साहब का जो पियर है वो टोंक ज़िले में था, तो वहाँ से वो जब आते थे पियर से तो ये लेके आते, हमको बहुत अच्छे लगते थे। वहाँ मक्का ज़्यादा होती है तो एक तो ये लेके आते थे बंदलडी और दूसरी बनास के खरबूजे। तो आप देखिए जैसे जैसे हम लोग सेकते हैं ना तो ये पापड़ सॉफ्ट होते जाते हैं। तो इनकी किनारी को आप सीधा करते जाओ, ये ऐसे किनारियाँ सीधी हो जाएगी पापड़ की सारी। तो ये इस तरह से मैं पापड़ सेक लूँगी एक दो और फिर अब आपको तल के भी बता देती हूँ। तो ये हमारा तेल गर्म हो गया है, जब तले तो इसकी किनारियों को इस तरह से बस ज़्यादा नहीं सेकें इसको। ये देखिए, ये देखिए आप कितने अच्छे से ये सिक जाते हैं और कितने बड़े हो गए छोटे छोटे से पापड़ के। चिमटे से पकड़ के और फिर इसको बाहर निकालें। तो अब आप देखो मैंने दोनों तरह से बता दिया आपको। ये तो तले हुए हैं और इसको ये देखो अब ये तोड़ के इतने सॉफ्ट बने हैं, ये देख खाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखिए, ये अगर आप तेल में नहीं तलते तो ये देखिए ये बहुत अच्छे लगते हैं। हम तो इसी तरह से सेक के ज़्यादा खाते हैं तो मक्की के पापड़, और ये ऐसे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये तो फिर होली और शीतला माता वगैरह पे जब कढ़ाई निकालते हैं तो फिर सब बहुत सारी चीज़ें तलते हैं, तो फिर ये पापड़ भी तलने लगे तो बच्चों को ये भी पसंद आते हैं। तो अब आप दोनों तरह से आप ये करके खाइएगा, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी पापड़ की रेसिपी, खींचिए की रेसिपी कैसी लगी।